सहारनपुर थाना कागलहेड़ी पुलिस द्वारा नाबालिग की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो हथियारों के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना का सफल अनावरण एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर क्षेत्र अधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना गागलहेड़ी प्रभारी के कुशल नेतृत्व में अभियुक्तगण वर्षा पत्नी विकास शुभम पुत्र गौतम को गिरफ्तार किया। अभियुक्त शुभम ने पूछताछ में बताया कि परिवार के सभी लोग लगातार हमारे बीच बने अवैध संबंधों का विरोध करते थे, लेकिन विरोध के बावजूद भी हम दोनों मौका मिलते ही चोरी छिपे मिलते रहते। मैं वर्षा से मिलने उसके घर आया हुआ था, जहां सचिन की पुत्री ने हम दोनों को देख लिया और मेरा और वर्षा और मैं वर्षा के घर से चला गया। दोनों ने क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी और शव को छिपा दिया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। जी हाँ, ये गागलहेड़ी थाने क्षेत्र में जो 5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, इसका पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 12 मई को ये बच्ची सुबह आखिरी बार 10:30 बजे 11 बजे इसके जो भाई बहन है वो देखते हैं इसको, माँ बाप इसके वहाँ पे होते नहीं है गांव में, और उसके बाद से ये बच्ची कहीं दिखती नहीं है। जब परिवारजन इसको ढूंढ लेते हैं अपने स्तर पर, उसके बाद से जब ये लड़की नहीं मिलती है तो 12 तारीख को रात को गागलहेड़ी थाने में आते हैं। इनकी तहरीर पर 363 का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस भी इनको तलाश करने में, इस बच्ची की तलाश करने में लग जाती है। उस दिन रात को देरी होती है और गांव में एक तालाब भी है, तो हमें आभास ये होता है कि वो बच्ची कहीं खेलते खेलते तालाब में ना गिर गई हो। अगले दिन तड़के सुबह ही 13 तारीख की सुबह को ही पुलिस टीम वहाँ पर अपनी पहुँचती है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, जो ट्रैकर डॉग है हमारे पास, बच्ची के सेंट सुंघा कर उसको आसपास घुमाया जा रहा होता है कि तुरंत एक घर के बाहर एक जंगला है, जो इसके चाचा चाची का घर है उसी के घर पे दीवार पे एक जंगला लगा हुआ है, उसी के बाहर एक बोरी मिलती है। जब पुलिस उसको देखती है तो बोरी के अंदर ही ये जो मासूम बच्ची की लाश है वो मिलती है वहाँ पर। उसको तुरंत ही वहाँ से हटाकर मॉर्चरी लेके आया जाता है, उसका बॉडी का PM कराया जाता है। जब बॉडी जिस हालत में मिलती है तो उस पर कुछ राख लगी रहती है, पुरानी राख, और कुछ चावल के छोटे छोटे दाने और कुछ प्याज के छोटे छोटे छिलके उसकी बॉडी पे लगे रहते हैं। उसके बाद जब हम घटनास्थल का पूरा निरीक्षण करते हैं, उच्च अधिकारी मौके पर आते हैं, पहला शक हमारा इसके चाचा पर जाता है। उसके बाद हम चाचा के घर की तलाशी लेते हैं। चाचा के घर की तलाशी ली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि जो उनकी किचन है जहाँ से वो जंगला लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ राख थी। राख के साथ ये जो जब अपना खाना बनाते हैं वो राख स्टोर में रख लेते हैं, जो चावल बचा होता है उसको भी वहाँ रख लेते हैं, और जो प्याज और सब्जी के जो छिलके विलके होते हैं उसको भी वहाँ रख लेते हैं। तो संदिग्ध तरीके से इसकी चाची से चाचा से पूछताछ की जाती है, तो जो पूछताछ में चाची के द्वारा ये कबूल लिया जाता है कि उसके द्वारा ये पूरी घटना कारिज करी गई है। इस घटना की वजह जो रही थी वो बताती है कि उसका जो संबंध था वो 6 साल से एक शुभम नामक युवक है जो उसी गांव का है, लेकिन अभी हरिद्वार में एक होटल में काम कर रहा है, उसके साथ था। और 12 तारीख को जिस दिन ये लड़की मिसिंग हुई थी, उस दिन ये दोपहर में शुभम इसके घर में था चाची के, और इन दोनों के संबंध बन रहे थे, तभी ये लड़की वहां पर आती है, बच्ची वहां पर आती है और उनको इस अवस्था में देखती है। इससे ही डरकर और क्रोधित होकर ये जो शुभम है हमारा, इसमें मुख्य अभियुक्त है, उसके द्वारा इसको एक थप्पड़ मारा जाता है बच्ची को, ये बेहोश हो जाती है वहाँ पर। और जब चाची कुछ समय पानी लेने बाहर जाती है घर से तो उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना भी कारित की जाती है बच्ची के।